हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। यानी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और इन्हें हम अपने प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की और उसके बाद हम जानेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। इन दोनों स्टेटमेंट को हम डेफिनेशन, सिंटैक्स और विथ एग्जांपल के साथ जानेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और यदि फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट शेयर करें, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट द लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द एंड ऑफ द लूप। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं और उसके बाद लूप का कंट्रोल जो है लूप के एंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि हमें कोई इटरेशन चलानी है और इटरेशन को बीच में ही ख़त्म करना है तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कोई लूप चला रहे हैं, माना जैसे हमने 1 से 10 तक लूप चला दिया और फिर हमने सोचा कि हमें केवल 7 तक ही लूप को चलाना है तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके 7 इटरेशन पर ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर देंगे। तो इस कंडीशन में 1 से 10 तक नंबर प्रिंट ना होकर केवल 1 से 7 तक ही होंगे, क्योंकि हमने लूप को तो कमांड दी थी 1 से 10 के लिए, लेकिन फिर बाद में हमने 7th पर ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया है तो फिर वह केवल 7 तक ही नंबर को प्रिंट करेगा और उसके बाद लूप को टर्मिनेट कर देगा और लूप का कंट्रोल जो है लूप के एंड को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब लूप जो है वहीं पर एंड हो जाएगा, उसके बाद लूप आगे नहीं चलेगा, मतलब लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। व्हाइल लूप, फॉर लूप कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब व्हाइल लूप और फॉर लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करके उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि हम फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो पहले हमें फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके कंडीशन में जहाँ पर हमें ब्रेक करना है, मतलब इटरेशन को जहाँ पर ब्रेक करना वह कंडीशन लिखनी है और उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करना और फिर उसके बाद उसे प्रिंट करा देना। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वह जहाँ तक हमने इटरेशन को ब्रेक किया है वहाँ तक प्रिंट करेगा और बाकी के लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो चलिए ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स जानते हैं। तो जैसे कि हम फॉर लूप के लिए इसका सिंटैक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, मतलब फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम फॉर लूप का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, यानी कि फॉर लूप की जो कंडीशन है उसे लिखेंगे, इंडेंटेशन देकर इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और इफ स्टेटमेंट की कंडीशन में वह कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर हमें लूप को टर्मिनेट कराना है। फॉर लूप में और इफ स्टेटमेंट में दोनों में कोलोन लगाना ज़रूरी है, यदि हम कोलोन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और फिर इफ स्टेटमेंट के नीचे इंडेंटेशन देकर ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे। तो चलिए अब ब्रेक स्टेटमेंट को इसके एग्जांपल की हेल्प से या प्रोग्राम की हेल्प से और अच्छे से जानते हैं कि यह कैसे वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले हमने लिखा है हैज ब्रेक स्टेटमेंट, तो यह हमने कमेंट लिखा है जिससे कि आपको यह पता रहे कि यह कमेंट लाइन है। फिर पहुँचते हैं सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन है फॉर आई इन रेंज 1,11 और फिर उसे कोलोन से क्लोज कर दिया। तो इस प्रोग्राम में हम फॉर लूप का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है और आई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने 1 से 11 तक की रेंज रखी है, यानी कि स्टोर की है। इन जो है वह प्री डिफाइन कीवर्ड है जो कि फॉर के साथ यूज़ हो रहा है और रेंज जो है 1 से 11 दी हुई है, यानी कि 1 से 11 तक। फिर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहले इंडेंटेशन दी हुई है, फिर लिखा हुआ है इफ़ और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन दी हुई है आई इक्वल टू 6 और फिर ब्रैकेट क्लोज है और फिर यह लाइन कॉलोन से क्लोज है। तो यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि कंडीशन दी हुई है
आई इक्वल टू सिक्स, यानी कि आई की वैल्यू सिक्स के बराबर है, और फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें कि हमने एक से ग्यारह तक वैल्यू को आई वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, मतलब फॉर लूप में हमने आई वेरिएबल के अंदर एक से ग्यारह तक वैल्यू को स्टोर किया, और फिर हमने इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके आई बराबर सिक्स कंडीशन यूज की, यानी कि सिक्स पर ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया, यानी जैसे ही लूप चलता हुआ सिक्स पर पहुँचेगा तभी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आगे का लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर हमने प्रिंट आई का प्रयोग किया है, तो इस प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं। फिर हमने ब्रैकेट में आई वेरिएबल लिखा, तो इसका मतलब है कि आई के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं वह प्रिंट होनी है। तो अब देखते हैं आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। तो सबसे पहले हमने लाइन नंबर टू में फॉर लूप का प्रयोग किया था जिसमें हमने एक से ग्यारह तक नंबर्स को प्रिंट करने की कमांड दी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके सिक्स इटरेशन पर ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक से पाँच तक नंबर प्रिंट करेगा, और जैसे ही सिक्स पर पहुँचेगा तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एक से पाँच तक ही नंबर प्रिंट होंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह इस तरह से आउटपुट देगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यह 5 तक ही नंबर्स को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू एंड द करंट इटरेशन इन द लूप एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग हम किसी लूप में करंट इटरेशन को एंड करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए, और फिर उसके बाद अगली इटरेशन या नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमने कंप्यूटर को कमांड दे दी 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर दो, और फिर उन नंबरों में हम चाहते हैं कि 5 नंबर, यानी कि 5 जो है वह प्रिंट ना हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 स्किप हो जाए, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट 1 से 4 तक प्रिंट कर देगा, और फिर उस इटरेशन को एंड कर देगा, मतलब 4 पर एंड कर देगा, और 5 को स्किप कर देगा, और फिर 6 से नई इटरेशन स्टार्ट कर देगा, और 6 से 10 तक प्रिंट कर देगा। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप आल्सो यूज्ड द कंटिन्यू स्टेटमेंट, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट की तरह व्हाइल लूप और फॉर लूप में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके सिंटैक्स को भी जान लेते हैं। तो चलिए अब फॉर लूप के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, और उसके बाद फॉर लूप की कंडीशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद कोलोन का प्रयोग करेंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन देके इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, और फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिखेंगे जहां पर हमें लूप को टर्मिनेट करना है या जहां पर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई कराना है, और फिर कंडीशन के बाद हम कोलोन का प्रयोग करेंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन में डबल इंडेंटेशन देकर कंटिन्यू कीवर्ड लिखेंगे। तो जैसे कि हमने फॉर लूप में कंडीशन दे दी 1 से 10 तक हमें लूप को चलाना है, और फिर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दे दी इफ़ आई इक्वल टू 5, यानी कि 5 को स्किप करना और उसके बाद के नंबर को प्रिंट करना, 5 पर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट परफॉर्म करना। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा 1, 2, 3, 4, 5 को स्किप कर देगा क्योंकि हमने 5 पर कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई किया, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह यह 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 को प्रिंट करेगा। तो चलिए अब इसे एक प्रोग्राम की हेल्प से जानते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो दिए गए प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन नंबर 1 में हमने एक कमेंट लिखा हैज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं यदि किसी लाइन के स्टार्टिंग में हैज़ सिंबल का प्रयोग होता है तो वह कमेंट लाइन होती है। अब सेकंड लाइन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर हम फॉर लूप का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फॉर कीवर्ड का प्रयोग किया है। और फिर लिखा हुआ है आई इन रेंज 1,7 कोलोन से क्लोज। तो यहाँ पर आई एक वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया इन प्रीडिफाइन कीवर्ड है, जो फॉर लूप के साथ प्रयोग हुआ है। और रेंज दी हुई है हमने 1 से 7, यानी कि 1 से 7 तक हमें लूप को चलाना है। और फिर थर्ड लाइन में इंडेंटेशन देकर इफ स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। और फिर ब्रैकेट में इफ स्टेटमेंट की कंडीशन दी हुई है आई इक्वल टू 4, यानी कि जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, फिर फोर्थ लाइन में डबल इंडेंटेशन देकर कंटिन्यू कीवर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही लूप 4 पर पहुंचेगा, तो वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लूप पर। और फिर फिफ्थ लाइन में इंडेंटेशन देकर लिखा हुआ है प्रिंट आई। तो प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं। और यहाँ पर प्रिंट आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं उन्हें प्रिंट करना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा 1, 2, 3, 5, 6। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फोर लूप को कमांड दी थी 1 से 7 तक लूप को चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग किया और वहाँ पर कंडीशन दी आई इक्वल टू 4, और फिर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग किया। तो इसका मतलब है जैसे ही लूप 4 पर पहुँचेगा, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा। मतलब जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई होगा, तो 4 जो है स्किप हो जाएगा। और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, 2, 3, 4 जो है स्किप हो गया, फिर प्रिंट होगा 5, 6। मतलब आउटपुट आएगा 1, 2, 3, 5, 6। यदि आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट के बाद कोलोन लगाना ज़रूरी है। और जैसे कि इसमें और जैसे जैसे इसमें इंडेंटेशन दी हुई है, वैसे वैसे इंडेंटेशन लगाना भी ज़रूरी है। यदि हम इंडेंटेशन आगे पीछे कर देते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, आपका प्रोग्राम ठीक से रन नहीं कर पाएगा। सो गाइस, आई होप अब आप जान गए होंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। और इसके साथ साथ आप इन दोनों के सिंटैक्स के बारे में जान गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है। और साथ ही साथ आप एग्जांपल की हेल्प से इन दोनों के वर्किंग प्रोसीजर को जान गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो गाइस, यदि आपको इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।